प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में कुछ पागल कुत्तों की कसरत हो गई है। एक कुत्ते ने अभी फिर भौंका है, नाम है उसका नरसिंहानंद, क्या नाम है, और उसके अलावा उसके अभी चेले भौंक रहे हैं। आए दिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी और तोहीन के जुमले कहे जा रहे हैं। बम्बई के तमाम जिम्मेदारान हर जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ FIR की जाए, लेकिन आज काबिले मुबारकबाद है, पूरे बम्बई में सबसे पहले उलमा के जिस तबके ने मैदान में आकर कदम उठाया है वो गोंडी का उलमा, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसी को लेकर ये सब यहाँ जमा हुए हैं कि FIR दर्ज की जाए। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बम्बई पुलिस और उसकी तमाम वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र हुकूमत पिछले 4 दिन से एक FIR लेने के लिए इतने झिझक क्यों रही है। क्या वो ये समझ नहीं पा रही है क्या मुसलमानों को इस शहर मुल्क में दूसरे नंबर का शहरी समझा जा रहा है। हमारे दिल को जो तकलीफ पहुंची है क्या उसका एहसास तमाम डिपार्टमेंट के आला अफसरान को नहीं है। जहां भी हम जा रहे हैं या जहां भी दूसरे लोग जा रहे हैं FIR कराने के लिए, 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 दिन का टाइम दे दीजिए। आज भी यही बात यहाँ कही जा रही है। आज यहाँ के तमाम उलमा ने इनकी तर्जुमानी कहते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक FIR नहीं दर्ज की जाए। बेशक देखिए, यही तो कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में कहा जाता है जमहूरियत है, मगर मैं बर्जस्ता कहता हूँ हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है। यहाँ 2 कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है। सलमान अज़हरी को एक शेर पे बल्कि नाम नहीं लिया, मैं तो नाम लेके कहता हूँ ये कुत्ते नहीं, कुत्ते से भी बदतर है जो हमारे नबी के खिलाफ भोगते हैं। ये आपको बनाना और 10 कर्ज बनाई हमारे ऊपर। अगर आपने इंसाफ नहीं किया और आपने साथ नहीं दिया तो मैं बर्दस्ता कह रहा हूँ, अगर जिम्मेदारों की बात नहीं सुनी गई तो कल को ये डिपार्टमेंट और ये हुकूमत ये जिम्मेदारों से ना कहे कि नौजवानों को संभालो, फिर हमारे हाथ से बाहर बात हो जाएगी। सही बात है, बाहर बात और धमकी नहीं दे रहे हैं, जज्बात आसमान पर है। इस वक्त एक FIR लेकर हम चाहते हैं हमारे गुस्से को भी जाहिर करें और हमारे जज्बात को भी समझे, FIR लेके कार्रवाई करे ताकि दुनिया में ये और सूबे में ये मैसेज जाए, खास तौर पे बम्बई में, मुमरा में हो गया, थाना में हो गया, बम्बई में क्या प्रॉब्लम है FIR लेने के लिए। एक FIR ले लीजिए, मामले को ठंडा करने की कोशिश कीजिए, हमारे जज्बात की कदर कीजिए, हम यही चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस प्रोटेस्ट में आए, और पहले बात तो यह है कि जिस मामलात में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बाद नमाज़ी ज़ोहर फ़ौरन उलमाए कराम का काफ़िला यहाँ पहुँचा है, क्योंकि जो है अभी कुछ दिन पहले नरसिंहानंद सरस्वती, इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़दसा में बड़ी दरीदा देहनी के साथ गुस्ताखी की है। इससे पहले भी वो गुस्ताखियाँ कर चुका है और उसने जो है बढ़ करके और ज़्यादा गुस्ताखियाँ करना शुरू कर दिया है, जिसकी बुनियाद पे हम लोग शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए कि उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। तो हम लोग आकर के पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात किए तो उन्होंने हम लोगों का आश्वासन दिलाया, तो कहा कि ठीक है FIR दर्ज होगा, आप लोग थोड़ा रुकिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग बाहर रुकते हैं, आप समझ लीजिए जैसे समझना है, बात कर लीजिए। बोले हम अपने ऊपर से बात करेंगे, अपना हमने कहा बात कर लीजिए, जब तक FIR दर्ज नहीं होगा उसके खिलाफ हम लोग पुलिस चौकी से नहीं जाएंगे, चाहे यही कुल नमाजें पढ़नी पड़ेगी, चाहे 2 दिन रहना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम नामों से रिसालत के लिए सारे उलमाए कराम यहाँ जमा है और रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक कि उस पाखंडी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगा। ऐसी गुंडागर्दी उसने की है कि पूरे हिंदुस्तान के अमन शांति को बर्बाद किया उसने, और उसने दहशतगर्दी का पूरा बढ़ावा दिया है, इसलिए कि उसके करने की बुनियाद पर जब उसके खिलाफ कोई FIR नहीं होता, उसको कोई अरेस्ट करके या उसको जेल के सलाखों के पीछे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी दबाव नहीं लगाए जाते, उसी के बुनियाद पर छोटे लोग भी उस पर निकल करके मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इसी तरीके से आज हमारे महाराष्ट्र में भी जो है रामगिरी महाराज ने भी गुस्ताखी की, नीतीश राणे में भी गुस्ताखी की, इन लोगों ने जो गुस्ताखियां की है हमारे खिलाफ नहीं बोला है, हमारे खिलाफ बोलते हमें गालियां देते हमें बर्दाश्त है,
मेरे सरकार की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो नहीं बर्दाश्त है, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन सरकार की शान में गुस्ताखी कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये उलमाए कराम अपनी जान देने के लिए तैयार है। हम यहाँ पुलिस सीनियर से भी हम लोगों ने कहा, सर आप चाहिए तो हम सबको गोली मार दीजिए चलेगा, लेकिन जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं होगा हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, इसलिए कि हिंदुस्तान के अमनो शांति को बर्बाद कर रहा है, बल्कि वो दहशतगर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी की बुनियाद पे वो चाह हुआ है। और हम तो ये कहना चाहते हैं, साफ सुथरी बात है, हुकूमत का उस पर जो है पर्दा है, हुकूमत का उस पर हाथ है, इसकी बुनियाद पे ऐसी दरिदा देनी कर रहा है। नहीं तो अगर हुकूमत का उसका ऊपर हाथ ना होता तो अब तक उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता, तो आज कोई दूसरा आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता। और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी मजहब के मामले में अगर कोई किसी भी मजहबी रहनुमा को गुस्ताखी करे तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो, कड़ी से कड़ी सजाएं दो, हम सब मानते हैं। लेकिन यह है कि मेरे सरकार किसान में गुस्ताखी किया ऐसे ही घूम रहा है, और जो उसको अरेस्ट किया गया है सिर्फ एक दिखावा है, दो दिन के बाद उसे रिलीज कर दिया जाएगा और उस आराम से फिर ऐसे ही घूमेगा, फिर वो दरिदा देनी करेगा। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है कड़ी सी कड़ा सजा लगाई जाए, बल्कि मैं मांग करता हूँ हुकूमत से कि उसको उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए, ऐसी गिफ्ट जो है खुराफात करने वालों के खिलाफ। आप लोगों के जो है चैनल, जो आप लोगों ने हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उलमाए कराम और जो लोग भी हमारे साथ मिलकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामुस में जो है हाजिर है, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि उलमाए कराम तो कहते ही हम अपनी सौ जाने प्यारे आका के नाम पे कुर्बान करने लगे। आज का ये पुरान एहतजाज सिर्फ गोवंडी के उलमाए कराम, मुफ्तियान एजाम, मशाइखने कराम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और चूँकि ये हम सबके दिल का एक दर्द है, हम जिनके सबके में खाते पीते जीते हैं वो हमारे हुजूर हैं, जब हुजूर की इज्जत सलामत नहीं तो हम सबकी भी इज्जत सलामत नहीं है। हम सब यहाँ अपने आका की इज्जत की, उनके नामूस की पहरेदारी के लिए आए हुए हैं। एक बात समझने वाली है कि आए दिन ये खुराफात मुल्क के दिगर और हलकों से ये करते रहते हैं। आखिर बात क्या है, अगर ये कोई और करता है, इससे कम बड़ा जुर्म करता है तो वो पकड़ा जाता है, सलाखों के पीछे होता है। मगर ये बात हर कोई जानता है, मुसलमान वो है या ना है वो भी जानता है कि हुजूर की शान और अजमत मुसलमानों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी अहमियत का हामिल है। मुसलमान सारे जुल्म और सितम को बर्दाश्त करता है, करता रहा है, कर लेगा, लेकिन हुजूर की इज्जत का एक मसला ऐसा है कि मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो गोया के मुसलमानों को यह मुश्तइल करने की एक सोची समझी साजिश है, ताकि मुसलमानों को सड़कों पर उतारा जाए, उनको जानी माली नुकसान पहुंचाया जाए, और बड़ी आसानी से मीडिया के जरिए फिर हिंदुस्तानी मुसलमानों को टेररिस्ट और आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, ताकि हुजूर की इज्जत में ये जब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो मसला यह है कि साहब, जब दिल पे चोट लगती है तो इंसान का दिमाग बस में नहीं रख पाता। यहाँ हुजूर की इज्जत पे जो हमले मुसलसल हुए जा रहे हैं, जरूरत है कि हुकूमत इस पे कदगन लगाए, अगर कोई कानून है तो उसका इस्तेमाल करे, और नहीं है कानून तो पार्लियामेंट किस लिए है, अदलिया किस लिए है, पुलिस प्रशासन किस लिए है, हमारे मुल्क के नेता किस लिए है? क्या वो इसीलिए है कि रोज मुसलमानों के नबी पर गालियां सुनवाने के लिए है? अगर नहीं और जरूरत आन पड़े तो वो सिर्फ पार्लियामेंट की एसी की ठंडी हवा खाने के लिए आवाम ने चुन के नहीं भेजा है, उनको जरूरत है कि वो पेशकदमी करे और मुल्क के सालमियत को बचाने के लिए, ताकि मुल्क ऐसा ना हो कि दूसरे मुल्कों के तरफ इतना फसाद की नजर हो जाए और हमारे मुल्क का अमन अमान खराब हो जाए। उसके लिए अगर किसी नए कानून के प्रावधान की जरूरत है तो हमारे नेताओं को और पार्लियामेंट में बैठने वाले इन सियासी लोगों को चाहिए कि नया कानून बनाए, और जिस किसी भी मजहब के रहनुमाओं पे उंगली उठे तो उनको खुली फिजा में रहने की कतान उनको इजाजत ना हो, बल्कि उनको काली कोठरी में होना चाहिए। बड़े बेदर्द होते हैं ये अहले हुस्न है जाहिद, बजाहिर ऐसे लगते हैं बड़े ही भोले भाले हैं। अब भोला चेहरा देख के धोखा मत खाना, जहर तो सारा जिस्म के अंदर होता है। सियासत मुफलिसों पर कुछ इस तरह एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है,
यार अगर हुजूर की मोहब्बत मोहब्बत नहीं तो मैं समझता हूँ दुनिया की किसी की मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं है। अगर हुजूर की इज्जत पे हमले हो तो फिर वो मोहब्बत की हम दुकान नहीं कह सकते। अगर आप कह रहे हो तो आप रवादार हैं, आप आजाद मुल्क में, आपको आजादी आपके हैं, हम उसे नहीं कह सकते। और रही बात, मैं किसी एक सियासी रहबर रहनुमा को इसके लिए मुरीद इल्जाम नहीं ठहराता, मैं मुल्क के हर सियासी रहबर और रहनुमा को आवाज देना चाहता हूँ। आज ये हुजूर की इज्जत और अजमत की बात आई है, आज उधर से एक्शन हो रहा है, इधर से रिएक्शन पे कदगन लगाया गया है, हम सब्र किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ना खुदा ना करे अगर इधर से कभी रिएक्ट हुआ तो मामला खराब हो सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क, हमारे ख्वाजा की नगरी में कोई इस तरह की गलत एक्टिविटी हो और हमारा अमन अमान खराब हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह सूफी संतों ने हमारे मुल्क में मोहब्बत का राज रखा है, ये राज हम चाहते हैं कि कायम हो, नफरती चिंटुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।